संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे और ऊपर लिखा है स्तंभनार्थम। पहली लाइन में क्या लिखा है? स्तंभन माने तो रोकने के लिए। सीता का शोक मुझे परेशान ना करे, सीता की याद ना आए, सीता की यादों से मैं सीता की याद हमें परेशान ना करे, तो इसको स्तंभनार्थम यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते, किसी प्रकार से मैं जो जो प्रयास कर रहा हूँ वो तम तम अंतः, वो और भीतर ही भीतर, भित्वा विदिर द्वैधी करने धातुत्वा प्रत्यय लग गया। फाड़ करके मैं जितने ही रोकना चाहता हूँ कि रोके सीता की याद ना आए, सीता का वियोग हमें परेशान ना करे, वैसे ही तम तम अंतः, वैसे ही और भीतर, भित्वा प्रसरति बलात्। बलात् माने मैं चाहता तो नहीं हूं लेकिन बलात् प्रसरति, वो सीता की यादें, वो सीता का वियोग, भित्वा मैं जितना स्तंभनार्थम करता हूँ, रोकने के लिए मैं जितना प्रयास करता हूँ, उतने भीतर सीता की यादें, सीता का वियोग, सीता का शोक मेरे अंतः माने मेरे भीतर, उतना भीतर फाड़ करके जितने भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ रुक जाए, सीता की यादें यहाँ पर रुक जाए, सीता का वियोग यहाँ पर रुक जाए, रुक नहीं रहा। बलात् कोपि चेतो विकारः, कोई चित्त का मेरे विकार, चेतो विकारः माने मेरे चित्त का कोई विकार। तोयस्य इव, उदाहरण दिया, तोयस्य जल की तरह, अप्रतिहत रयः, अप्रतिहत, प्रतिहत माने जिसको रोका जा सके, और अप्रतिहत माने ऐसा रयः, ऐसा वेग, सैकतम सेतुम ओघा, ओघ माने प्रवाह, ओघा माने तो तोयस्य ओघा माने तोयस्य पहले लिखा है और ओघा बाद में लिखा है, तो तोयस्य ओघा माने जैसे कोई जल का प्रवाह, सैकतम से तुम बालू के पुल को वैसे चेतो विकारः भित्वा बलात् प्रसरति। अन्वय से पकड़ लिया, अर्थ को समझ में आया। राम ने बड़ा सुंदर से उदाहरण दिया, तोयस्य ओघः इव, तोयस्य माने ओघा माने जैसे कोई जल का प्रवाह, जिस जल के प्रवाह को जो अप्रतिहत रयः ओघा, अप्रतिहत रयः क्या, जिस जल प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, ऐसा जल प्रवाह को रोकने के लिए मानो आपने सैकतम मानो बालू का पुल बनाया हो, तो जैसे बालू से बनाया गया पुल जल के विशाल प्रवाह को नहीं रोक सकता, वैसे ही जो जो भी सीता के वियोग को स्तंभनार्थम स्तंभन करने के लिए जो जो मेरी ओर से प्रयास हुए वे वैसे ही बह गए जैसे बालू का पुल बह जाता है, जैसे बालू से बना हुआ पुल
कभी जल प्रवाह को नहीं रोक सकता, ऐसे सीता के इस पंचवटी में मैं सीता की यादों को, सीता के वियोग को, मैं पंचवटी की सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, तो देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए मैं सीता के वियोग को आज उसी प्रकार नहीं रोक पा रहा हूँ जैसे बालू का पुल जल प्रवाह को नहीं रोक सकता वैसे। अब इन्होंने ये कहा कि यो यो यत्ना समाधीयते, जो जो भी प्रयास मैं कर रहा हूँ उतने तम तम अंता बलात् प्रसरति, और जो जो मेरे यत्न हैं सबको भित्वा भित्वा, सबको समझ में आ गया, भित्वा भित्वा प्रसरति, क्या प्रसरति, तो लिखा को पीछे तो भित्वा भित्वा चित्त का विकार, वो चित्त का विकार क्या है, वही सीता का वियोग, सीता का वियोग, सीता का शोक, वो चित्त का विकार, को पीछे तो विकारा, कोई चित्त का मेरे विकार, भित्वा भित्वा सब चीजों को फाड़ फाड़ करके, मानो बलात् प्रसरति। अब कैसे बलात् प्रसरति, जैसे सैकतम से तुमको, जैसे बालू के पुल को, तो यस्य ओघः, और कैसा ओघ है, बोले अप्रतिहत रयः ओघः, अप्रतिहत रयः, जिस जल के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, ऐसा जल प्रवाह जैसे सैकतम से तुम माने बालू के पुल को बहा ले जाता है, वैसे यो यो यत्ना समाधीयते, जो जो प्रयास मैंने किए मेरे सारे प्रयास वैसे ही बह गए जैसे बालू का पुल बह जाए। बोलो कायत यो यो यत्ना कथमापि समाधीयते तं तं, यो यो यत्ना समाधीयते कथमापि समाधीयते, किसी प्रकार से मैं इतने सारे यत्न कर रहा हूँ कि मुझे याद ना आए, मुझे रोना ना आए, मेरे आंसू ना आए, तो यो यो यत्ना कथमापि समाधीयते, मैं जितने ही प्रयास करता हूँ सीता का वियोग उतने ही भीतर घुसा चला जा रहा है, मैं जितने रोकने का प्रयास करता हूँ उतनी गहरी वेदना हो रही, उतना ही गहरा शोक, उतनी ही गहरी करुणा, उतनी ही ज़्यादा यादें, जितना ही आप कहेंगे नहीं नहीं जाओ हम तुमसे फ़ोन नहीं करेंगे, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जितनी बार आप ये कहोगे हम उसको याद नहीं करेंगे उतनी बार याद आएगी, और ज़्यादा, ऐसे मान लीजिए जब सब कुछ ठीक ठाक हो, आप ज़रा अपना अनुभव शेयर करिएगा, जब बढ़िया बातचीत हो रही है सब ठीक ठाक है, तो चाहे दो दिना बात ना हो कोई बात नहीं, दो दिना बात नहीं हुई, दो दिन फोन नहीं हुआ, दो दिन मैसेज नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा हो, तो और आ जाए झगड़ा हो 10 बजे, तो एक घंटा काट मुश्किल हो जा है, यो यो यात्रा करें, इतने भीतर जितना मैं रोकने का प्रयास करता हूं उतने ही भीतर, बात समझ में आ गई, और ये सब प्रयास क्यों, तो पहली लाइन में चलो स्तंभनार्थम लिखा है, क्या लिखा है ना, कहा वे लो लो लक्षु भीतर, हाँ तो करुण माने करुण, करुणों करुणों करुण के बाद लिखा है उज्जृंभण, करुणा का उज्जृंभण माने करुणा की वृद्धि, करुण माने शोक, करुण माने क्या, तो शोक का उज्जृंभण हो रहा है, उज्जृंभण वृद्धि हो रही है, देखो एक होता है बढ़ना, कोई चीज धीरे धीरे बढ़े वो वृद्धि है, समझना इसको, शब्दार्थ का खेल है, भवभूति के शब्दार्थ का अर्थ समझना, और उज्जृंभण ये होता है जो आज से कुछ साल पहले कहाँ हुआ था, आप थोड़ा थोड़ा और पीछे चले जाओ, और पीछे केदार धाम की ओर और पीछे जाओ, तो आपने शायद एक कुछ दिन पहले एक घटना सुनी थी कि अचानक से पानी बहुत बढ़ गया था और बहुत सारे लोग बह गए थे,
उत्तराखंड की घटना याद करो, केदारनाथ की घटना, ये पानी बढ़ा नहीं था, ये उजृंभण है। इसको कहते हैं क्या? देखो वृद्धि और उजृंभण में अंतर बता रहा हूं। वृद्धि और गंगा यहां भी बढ़ी थी, लेकिन गंगा में ना उजृंभण नहीं हुआ था, गंगा धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये जो गंगा का धीरे धीरे बढ़ना था, दिस इज नॉट उजृंभण। और आप सोए हो, अब पता चला एक घंटे में पूरा इतना बड़ा प्रवाह है कि पूरे इलाहाबाद को छाप ले, ये उजृंभण। सुनामी आई थी किसी जमाने में, पढ़ा आपने? सुनामी धीरे धीरे नहीं आती, ये सुनामी है उजृंभण। अब यदि आप समझ गए हो तो मैं यहां पढ़ाऊं, करुणा की सुनामी आ गई। करुणोजृंभणार्थम, करुणोजृंभण समझिएगा, माने एक तो होते कि भाई धीरे धीरे याद आए, आप सह लें, और एक इतना शोक आया पंचवटी में आने के बाद, राम का शोक बढ़ा नहीं, भभूति ने बढ़ा नहीं, माने अचानक से उजृंभण हो गया। और भाई साहब हो सकता है धीरे धीरे बहते हुए पानी को आप बालू से रोक लें, धीरे धीरे बढ़ते हुए पानी को हो सकता है बालू के पुल से भी रोक लें, पर सुनामी को। इसीलिए राम ने कहा करुणा बढ़ी नहीं पंचवटी में आने के बाद, करुणा में उजृंभण हुआ। क्या हुआ? ये कहा करुणोजृंभण, उसको स्तंभनार्थम, जो शोक यहां आने से बढ़ा, बढ़ा क्या मतलब समझ गए ना, उजृंभणकार समझे कि नहीं, अचानक से बढ़ा। उन सारी चीजों को देखा, राम देख रहे हैं पंचवटी में। देखो राम को शोक तो सीता का पहले भी था, लेकिन पहले इतना नहीं था जितना पंचवटी में आने के बाद अचानक से शोक में बाढ़ आ गई। और ये बाढ़ मतलब विद इन टू आवर्स विद इन थ्री मिनट्स अचानक से इतना आ गई कि अब उसको रोका, इसको बोलते हैं उजृंभण। और करुणोजृंभण उसको स्तंभनार्थम, उसको रोकने के लिए यो यत्न समाधीयते तम तम अंतः। अब यहाँ से समझ में आ गया, करुणा की जो विशाल सुनामी आई मेरे हृदय में यहाँ आने के बाद, उसको हम रोक। और जब ऐसा बाढ़ आती है तो फिर वेला माने जो मर्यादा होती है वो क्षुभित हो जाती, टूट जाती, खत्म हो जाती। तो कहा वेलो लोल, वो लोल माने होती तरंगे, वो लोल माने, और जब तरंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ तो जितनी, जैसे गंगा जी मान लो ये बांध पार करके पूरे इलाहाबाद में प्रवेश कर जाए, समझना गंगा ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। जब नदी अपना तट छोड़ करके तट के ऊपर से बहने लग जाए, तट उसकी मर्यादा। और जिस दिन कोई नदी, कोई तालाब, कोई भी कोई नारी हो चाहे कोई पुरुष हो, देखिए नारी मान लो आपकी सुन रही, किसी पति ने डांटा, पत्नी ने सुन लिया, मतलब अभी मर्यादा में है। अब पति ने डांटा, फटाक से कॉलर पकड़ ली, दो हाथ दे दिया, ये बेलो लोल हो गया, बेला का। देखिए मैं रोड चलते लड़के को नहीं मरवाया, रोड चलते लड़के को मारती नहीं, बेलो लोल नहीं हुआ यहाँ अभी मर्यादा में। माने रोड चलते कोई छीटा कसी किया, उसको उतार के जूती मार दी, अभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ। लेकिन छोटी मोटी बात में ससुर के कॉलर पकड़ लेना, सास को पटक के चढ़ बैठना, पति को पटक के इणवा दे के ऊंचे, अब बेलो लोल हो गया। उल्लोल समझना पड़ेगा ना, बेला और उल्लोल केवल शब्द से समझोगे तो नहीं समझ पाओगे, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझनी होगी। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि नहीं ना, हम कैसा पढ़ाते हैं, कैसा हंसते हैं, आपकी जो मर्जी हो, बेलो लोल का अर्थ आप समझ ही नहीं सकते हैं। यहाँ जो लिखा है हिंदी में जा पढ़ के देख लो, मर्यादा को, मर्यादा का लांघना माने क्या। आज राम का शोक, जब तक अयोध्या में थे तो राम की शोक मर्यादित शोक था, क्या था? पंचवटी में आने के बाद राम की शोक ने मर्यादा छोड़ दी, और एक चक्रवर्ती सम्राट आकर के ऐसे भूमि पर बिलख बिलख के रोए, जिसे मर्यादा का उल्लंघन हो गया। बोलो हाँ, एक चक्रवर्ती सम्राट ऐसी बेहोश पड़ा है धरती में आज पंचवटी में अकेले, सीता के लिए रो रहा, अब मर्यादा का उल्लंघन हो गया। बोलो हाँ, माना कि आपको अपनी पत्नी की बहुत याद आती है, मायके चली गई,
लेकिन जब आप अपने पापा के सामने खड़े होकर कह दे बुला लो उनको ये बेलोल्लोल है, ये बेलोल्लोल है, बात समझ आई? मम्मी पापा से कह देना पड़ा कि अब मतलब बुलाओ, ये बेलोल्लोल है। वेला मर्यादा, उसको उल्लोल पार कर जाए। आज राम का शोक मर्यादा पार कर गई। तब राम ने कहा बेलोल्लोल, क्या कहा? बात समझ में आ गई? पूरा श्लोक समझ में आ गया होगा ना? ये तो सब उदाहरण थे, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ऐसे उदाहरण माता के सामने पिता के, ये सिर्फ बेलोल्लोल समझाने के लिए था। इसका इस श्लोक से कोई लेना देना नहीं, बस इस श्लोक से लेना देना इतना है कि राम का शोक मर्यादा पार कर गया। तो क्या मर्यादा पार कर, भाई शोक राम को है, लेकिन अयोध्या में 12 साल जब राम थे, सीता का शोक तब भी था लेकिन मर्यादा में था। कभी लक्ष्मण के सामने रोए नहीं, कभी कौशल्या के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, कभी वशिष्ठ के सामने राम जाके बोले नहीं कि वशिष्ठ चला खुद बाबा हमारे, मतलब ऐसा कुछ कह देते, कौशल्या से रोने लगते, राम लक्ष्मण से कहते हैं, तो मतलब राम का शोक अब मर्यादा पार कर गया। अयोध्या में भी राम का शोक सीता के लिए तब भी था लेकिन 12 साल तक मर्यादित शोक था। आज पंचवटी में आने के बाद राम स्वयं कहते हैं कि आज मेरा शोक वेला को लोल कर गया, अब मैं सीमा पार कर गया। सीमा पार यही होता है, बहुत बार आपने देखा होगा कि सास पतोहू का झगड़ा होता है, पतोहू कुछ दिन सहती है, सहती है, सहती है, अच्छा 7 महीना बाद कहे कि बहुत सहन तेरी जब किसी दिन उसकी मतलब वो अपनी मर्यादा छोड़ दे, और ये बेलोल्लोल है। ये क्या है? अब कहा बेलोल्लोल शुभित करुणा, तो जब मर्यादा पार कर गई तो क्षुब्ध हुई क्या? करुणा क्षुब्ध हुई क्या? और इसीलिए करुणा में आई बाढ़ उजृंभण, और उसी उजृंभण को रोकने के लिए यो यो यत्ना समाधीयते तम तम अंतः बलात् प्रसरति, यहां से अन्वय कर लेना ऊपर से लेकर नीचे तक, समझ में आ गया? अर्थात बेला का उल्लोल मर्यादा को लांघना, मर्यादा के लांघने से शोक का क्षुब्ध होना करुणा को, और शुद्ध करुणा का बढ़ना, शुद्ध करुणा का बढ़ना। और बढ़ने बढ़ी हुई करुणा को रोकने का प्रयास स्तंभनार्थम, किसकी ओर से? वैसा ही प्रयास जैसे बड़े विशाल वेग को बालू के पुल से रोकने का प्रयास किया जाए तो जैसे वो नहीं रुकता, वैसे ही आज सीता का शोक जो राम के हृदय में था वो आज इतना बढ़ा कि राम जितना भी प्रयास कर रहे हैं कि ये शोक आंसुओं में ना आने पाए, ये शोक सबके सामने करुणा ना आने पाए, राम कह रहे हैं कि आज जितना भी मैं प्रयास इस शोक को रोकने का कर रहा हूँ वो वैसे ही व्यर्थ है जैसे किसी बहुत बड़े विशाल जल प्रवाह को बालू के पुल से रोकने का प्रयास किया जाए। और बीच में 2 लाइनों में यही बताए हैं कि यो जितना जितना मैं उसको रोकने का प्रयास करता हूँ वो उतने उतना ही हमारी सभी सभी प्रयासों को फाड़ फाड़ करके सभी प्रयासों को निष्फल करता हुआ बहुत हमारी अंतश्चेतना के भीतर और बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। पूरा श्लोक समझ में आ गया? कहा मंदाक्रांता जलधि यो यो यत्ना कथमापि समा, ठीक है? सीता ने कहा आर्य पुत्रस्य